पुस्तक का नाम लोक सेवा साधना है, व्यवसाय नहीं। ऑडियो एक, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। समाज सेवा, लोक सेवा के नाम पर कितने ही कार्यकर्ता, समाज सुधारक, धर्मावलंबी लगे हुए हैं, किंतु देखा यह जाता है कि अभीष्ट प्रयोजन में सफलता नहीं मिल पाती। सुधार, परिष्कार एवं नवनिर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। असफलताओं का अध्ययन करने पर एक ही तथ्य उभर कर सामने आता है कि श्रेष्ठ व्यक्तित्व का अभाव ही एकमात्र अवरोध है, जिसके रहते समाज सुधार का महान लक्ष्य सदा संदिग्ध बना रहेगा। लोकसेवी यदि अपने चरित्र का निर्माण नहीं करते और जनसामान्य को सत्प्रेरणाएं देने लगते हैं, तो उनके प्रयत्नों का अपेक्षित परिणाम नहीं होता। लोकसेवी को अपना व्यक्तिगत जीवन आदर्श सांचे में डालना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता अक्सर यह तर्क देते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वह जनहित के लिए है, लोगों को हमारे कार्य देखने चाहिए, न कि व्यक्तिगत जीवन। यह तर्क अनुचित और असंगत है। माता पिता अपने बच्चे को मधुरभाषी बनाना चाहते हैं, इसके लिए वे समझाते भी हैं, पर उस समझाने का तभी प्रभाव होता है जबकि अभिभावक स्वयं मधुरभाषी हो। बच्चों को मीठी बोली की शिक्षा दी जाए और स्वयं कटु कर्कश बोलते रहा जाए तो उसका वृत्ति भर भी असर नहीं पड़ता। यदि बच्चे भयवश अपने अभिभावकों की बात मान भी ले तो भी उस सिखावन को वे अपने जीवन में उतार नहीं सकते, क्योंकि उस आज्ञा निर्देश के प्रति उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं होती। बच्चों को चरित्रवान बनाने के लिए अभिभावकों को उनके हृदय में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ती है। जनसाधारण पर भी लोक सेवी का तभी प्रभाव होता है जब वह अपने उज्जवल व्यक्तित्व और धवल चरित्र द्वारा अपने प्रति श्रद्धा पैदा करे। सेवा और व्यक्तिगत जीवन को अलग अलग कर देखने वालों को समझना चाहिए कि लोक सेवा उनकी साधना है, व्यवसाय नहीं। सेवा को व्यवसाय के रूप में अपनाने वालों की बात और है। कर्मचारी, नौकर, अधिकारी वर्ग भी जनसेवा की गणना में आते हैं, पर जनसेवा के प्रति न उनमें टीस होती है और न लगन। जिन्होंने सेवा को ही अपना पाथेय चुना है, उन लोकसेवी कार्यकर्ताओं को तो सेवा का स्तर साधना की तरह ही रखना चाहिए। अपना व्यक्तिगत जीवन यदि निकृष्ट रहा तो सेवा साधनों के प्रयासों का कोई प्रभाव नहीं होगा। स्वामी रामतीर्थ का यह कथन लोकसेवियों को याद रखना चाहिए कि सामाजिक कार्यकर्ता की वाणी ही नहीं, उसका पूरा व्यक्तित्व ही बोलता है, और वाणी की अपेक्षा उसका व्यक्तित्व सुना जाता है। वाणी और कर्म जब मिल जाते हैं तो व्यक्तित्व प्रखर बन जाता है। लोकसेवी ही नहीं, अन्य प्रकृति के व्यक्तियों का भी तभी प्रभाव होता है जबकि उनके विचार और कर्म एक हों। एक वेश्या किसी साधारण व्यक्ति को आकर्षित करती है तो उसमें वेश्या की वाणी ही सफल नहीं होती, उसके कर्म भी उसी स्तर के होते हैं। मानसिक वासना मनुष्य मन की कमजोरी है, इसलिए वह व्यभिचार की ओर आकर्षित होता है, लेकिन शराबी में भी प्रभावित करने की यही क्षमता रहती है। वह भी अपने विचार और कर्म के द्वारा अपने साथियों को प्रभावित करता है तथा इन्हें भी मद्यपान का व्यसन डाल देता है। लोकसेवी के विचार और उसके क्रियाकलापों में समानता हो तो उसका व्यक्तित्व भी इतना प्रभावशाली बन सकता है कि वह अपने सेवा क्षेत्र में अभीष्ट परिणाम प्राप्त कर सके। आरंभ में अपने विचारों और आचरण को पूर्णतः एकात्म कर लेना, एकदम चरित्र को आदर्श बना लेना भी आसान नहीं है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि इसके बहाने विचार और आचार में साम्य स्थापित करने की बात नजरअंदाज की जाती रहे। इनमें स्तर का अंतर हो सकता है, लेकिन दिशा भिन्न नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, लोकसेवी खर्चीले और दान दहेज वाले विवाहों का विरोध करता है, लोगों को अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्च न करने की प्रेरणा देता है। उसके घर में कभी विवाह हो रहा हो और परिवार काफी बड़ा हो
तो थोड़ी धूमधाम तो रहेगी, पर इसके लिए खूब ठाट बाट और शान शौकत का प्रदर्शन किया जाए यह सर्वथा अनुचित है। कोई कार्यकर्ता दूसरों को सादगी से रहने और मितव्ययी जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देता है तथा स्वयं अपने जीवन स्तर को तथाकथित रूप से उच्च बनाए रहता है तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। पास में पैसा हो तो भी सादगी और मितव्ययी जीवन के उपदेष्टा को अपव्ययी व फैशनेबल जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। इसलिए प्राचीन काल से अब तक के लोक सेवियों की यह परंपरा रही है कि आवश्यकताएं कम से कम रखी जाएं। आवश्यकताओं का विस्तार किया जाए तो उनका अंत नहीं है। सुविधाएं कितनी ही बढ़ाई जाएं, कोई भी सुविधा अनावश्यक नहीं जचती। लोक सेवी को इस संबंध में औसत और न्यूनतम का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्हें कम करते चला जाए तो हम देखेंगे कि हमारी आवश्यकताएं कितनी कम हैं। एक सामान्य व्यक्ति को खाने के लिए पौष्टिक आहार, पहनने के लिए वस्त्र और रहने के लिए मकान उपलब्ध हो, साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध हो, तो समझना चाहिए कि इतने साधन हमारे लिए पर्याप्त हैं। इससे अधिक की कल्पना आकांक्षा प्रायः दिग्भ्रमित करने वाली होती है। महापुरुषों ने तो इतने साधनों की अपेक्षा भी नहीं की थी। अमेरिका के सर्वधर्म सम्मेलन में जाने से पूर्व स्वामी विवेकानंद भारत में कई कई दिनों भूखे रहकर प्रचार करते रहे थे। वस्त्र के नाम पर एक बार तो उनके पास लंगोटी भर रह गई थी। नदी में जब कहीं स्नान किया और लंगोटी सुखाने को डाली तो वह भी बंदर उठा ले गया और स्वामी जी ने किसी तरह जंगल में ही अपने तन को ढका। पिपलाद ऋषि पीपल के फलों से ही अपना निर्वाह चलाते थे। प्राचीन काल में जितने भी ऋषि मुनि और साधु ब्राह्मण थे सब कम से कम साधनों में अपना गुजारा चलाते थे। साधु ब्राह्मण के लिए तो यह मर्यादा थी कि उसे 3 दिन से अधिक का धान्य भी अपने पास नहीं रखना चाहिए, उसे अपरिग्रही रहना चाहिए। अपरिग्रही अर्थात कम से कम साधनों से अपना गुजारा चलाना और पास में यदि कुछ हो तो भी उसे लोक मंगल के लिए अर्पित कर देना। लोक सेवी यदि अपरिग्रही का सिद्धांत मानकर चले तो उनकी वह शक्ति जो उपार्जन और धन संचय तथा संपत्ति की सुरक्षा में खर्च होती थी वह तो बचेगी ही, जन साधारण को भी उससे प्रेरणा मिलेगी, उसके प्रति अपनत्व का भाव उत्पन्न होगा। प्रायः समान स्थिति के लोगों में ही परस्पर संपर्क और अपनत्व के संबंध स्थापित हो पाते हैं। यदि अपने जीवन स्तर को ऊंचा रखा जाए, सुविधाओं से संपन्न और सज धज का जीवन व्यतीत किया जाए और जन सामान्य के बीच जाया जाए तो उनमें संपर्क स्थापित नहीं हो सकते, क्योंकि ठाट बाट से सजाए हुए व्यक्ति को देखकर जन साधारण उसके और अपने बीच अमीरी की एक दीवार देखता है। यह सोचकर वह लोकसेवी की प्रेरणाओं को अव्यावहारिक भी समझने लगता है कि आप तो बड़े आदमी हैं, आपको क्या मालूम है कि हमारी कठिनाई क्या है और हम उनका समाधान किस प्रकार करें। इसके विपरीत यदि लोकसेवी सादगी से रहे तो जन सामान्य में न केवल उसके प्रति अपनत्व की भावना जागती है, वरन वह यह भी अनुभव करता है कि सम्मुख उपस्थित कार्यकर्ता के माध्यम से हमारी अपनी ही अंतरात्मा बोलती है। सादगी से रहने, अपनी आवश्यकताएं घटाने पर लोक सेवियों को यह भय होने लगता है कि कहीं लोग उन्हें गरीब और कंगाल न समझ ले, यह न सोच ले कि इस व्यक्ति के पास कोई धंधा नहीं है इसलिए यह लोक सेवा के बहाने कमाने धमाने निकल पड़ा है। ठाट बाट और टीम टाम से रहने का पर तो यह शंका और भी प्रबल हो जाती है। लोग सोचते हैं कि कार्यकर्ता दिन रात तो समाज सेवा में लगा रहता है, फिर इसके पास ठाट बाट से रहने लायक आर्थिक साधन कहाँ से आते हैं। अवश्य ही यह कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी करता है। और दूसरे कारणों से भी अपनी आवश्यकताओं को कम करने से संकोच हो सकता है। कम साधन और न्यूनतम सुविधाओं में रहने पर अपनी प्रतिष्ठा गिरती दिखाई दे सकती है, लेकिन यह हमारी भ्रांति ही है।
वस्तुतः हमने बड़प्पन की कुछ ऐसी परिभाषाएं बना ली हैं और उस संबंध में ऐसी मान्यताएं गढ़ ली हैं कि हमें ठाट बाट से रहने पर ही अपनी प्रतिष्ठा बनती दिखाई देती है, लेकिन सादगी के कारण प्रतिष्ठा कम नहीं होती, उससे तो और भी बड़प्पन मिलता है। महात्मा गांधी का उदाहरण अभी नया ही है। एक साधारण सी धोती को अर्ध शरीर पर लपेटकर कुटिया में रहने और तीसरी श्रेणी में सफर करने तक उनके जीवन का हर क्रियाकलाप सादगी से भरा हुआ था। जन साधारण ने भी उन्हें अपना हृदय साम्राज्य सौंप दिया, इसलिए कि उनकी वेशभूषा और रहन सहन को देखकर हर व्यक्ति यह अनुभव करता था कि गांधी जी हमारे बीच के हमारी समस्याओं को समझने और अनुभव करने वाले व्यक्ति हैं। उनकी महानता की छाप जनमानस पर इसलिए भी पड़ी कि वे सादगी से रहते थे, अर्थात सादगी के कारण उनकी प्रतिष्ठा और भी निखरी। वेशभूषा के बाद मुख्य रूप से आती है लोक सेवी की आहार व्यवस्था। सेवा साधना में प्रवृत्त कार्यकर्ताओं को अपनी आहार व्यवस्था भी सादगीपूर्ण और औसत स्तर की ही रखनी चाहिए। इससे एक तो स्वास्थ्य की सुरक्षा हो जाती है, दूसरे लोगों पर उसका प्रभाव भी पड़ता है। भोजन के संबंध में कुछ व्रत लिए जा सकते हैं। घर में रहते हुए जो सादा भोजन सभी करते हैं, पर लोक सेवी बाहर जनसंपर्क या सेवा कार्यों के लिए निकलता है, तो लोग सम्मान और श्रद्धा के वशीभूत होकर कई तरह की स्वादिष्ट वस्तुओं की व्यवस्था करते हैं। उनकी सद्भावना को उपेक्षित न करते हुए भी इस बात का ध्यान रखा जाए कि हमारा चटोरापन न बढ़ जाए। इसके लिए ये लोगों को पहले से बता दिया जाए कि हम सादा भोजन ही करेंगे, इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था न की जाए तो अच्छा रहता है। आतिथ्य करने वाला व्यक्ति तो अतिथि की व्यवस्था अतिथि की तरह करता है, इसलिए विशेष व्यवस्था भी की जाती है, लेकिन अतिथि स्वयं जब सामान्य व्यवस्था का आग्रह करता है तो उससे पूरे परिवार में अतिथि के प्रति आत्मीयता और पारिवारिकता की भावना उद्भूत हो जाती है। स्वाद लिप्सा से बचाव तो अपने आप में ही एक सद्गुण है, जिसकी गणना संयम साधना में होती है। इसके लिए एक नियम बनाकर चला जाए, जैसे रोटी के साथ एक लगावन साग ही खाएंगे या एक दाल ही खाएंगे। थाली में भोज्य पदार्थों की संख्या दो या तीन से अधिक नहीं होने देंगे। बाहर क्षेत्रों में सेवा कार्य करने निकलने पर लोग श्रद्धा और स्नेह के वशीभूत होकर कुछ न कुछ चीजें बनाकर खिलाने के लिए आते हैं। यहाँ यह धर्म संकट भी उत्पन्न होता है कि यदि उन्हें लेने से एकदम इनकार कर दिया जाए तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, और ले लिया जाए तो अपना व्रत टूटता है, मर्यादा भंग होती है। ऐसी स्थिति में लाई गई वस्तुओं का नाम मात्र अंश लिया जा सकता है। साथ ही यह व्यक्त भी हो कि कार्यकर्ता उन वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रखता है, अभिव्यक्ति आंतरिक होनी चाहिए। यदि प्रस्तुतकर्ता सारी ही ग्रहण करने का आग्रह करे तो उसे लेकर अपने पास आसपास बैठे व्यक्तियों को वितरित कर दे। दिनचर्या में स्वावलंबन, नियमितता और अनुशासन भी लोक सेवी की एक मर्यादा है। स्वावलंबन, नियमितता और अनुशासन मनुष्य के व्यक्तित्व को संवारता तथा उसे उज्जवल बनाता है। स्वावलंबन का अर्थ है अपने काम अपने हाथ से ही किए जाएं, घर में हो अथवा बाहर। इन गुणों को अपने स्वभाव में सम्मिलित करना कोई कठिन नहीं है। परिवार में रहते हुए भी जहां तक हो सके अपने काम अपने हाथ से ही किए जाने चाहिए। अपने हाथ से कपड़े धोने, स्वयं हजामत बनाने और दूसरे जरूरी काम भी स्वयं ही करने जैसे काम स्थूल रूप से किसी के लिए भले ही महत्व न रखते हों, पर इनसे व्यक्तित्व में स्वावलंबन की जो सद्वृत्ति आती है वह व्यक्तित्व को प्रखर बनाती है। अपने आवश्यक कार्यों को स्वयं न करने वाला व्यक्ति एक दृष्टि से दूसरों पर निर्भर ही कहा जाएगा। कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जिनमें लगने वाला समय बचाया जा सकता है और उस समय को दूसरे महत्वपूर्ण कामों में लगाया जा सकता है, पर कई काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों से करवाया जाए तो और भी ज्यादा समय लगता है।
उदाहरण के लिए हजामत को ही लें। यदि अपने ही हाथों से शेव किया जाता है तो शेव में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, परंतु सैलून में जाकर हजामत बनवाने के लिए 15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, समय नष्ट करना पड़ेगा और पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। सुविधा संपन्न और भौतिक जीवन को ही अपनाने वाले लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए दूसरों की सेवा ग्रहण करें, यह बात अलग है, परंतु लोक सेवी जिनने की सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य माना है और उसके लिए सादा, सरल तथा औसत स्तर का जीवन व्यतीत करते हुए समाज के सम्मुख अपने माध्यम से आदर्श उपस्थित करने का रास्ता अपनाया है, उन्हें तो दिनचर्या के विषय में स्वावलंबी ही होना चाहिए। दिनचर्या के स्वावलंबन व्यक्ति को अपना जीवन नियमित बनाने में भी सहायक होता है, पर निर्भर व्यक्ति को अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए प्रायः दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है और उस कारण होने वाले विलंब से अपने नियत कार्यक्रम स्थगित करने पड़ते हैं, उनमें फेर बदल करना पड़ता है। जैसे कहीं जाना है, स्टेशन पर गाड़ी पकड़नी है और कोई महत्वपूर्ण चीज तैयार न हो पाई या धोबी ने कपड़े धोकर नहीं दिए, ऐसे बहुत से प्रसंग होते हैं जिनमें स्वावलंबी न होने के कारण अव्यवस्था आ जाती है। अपने महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्यों की व्यवस्था स्वयं करने के साथ साथ लोक सेवी को नियमितता भी अपने जीवन का एक अंग बनाना चाहिए। एक बार गांधी जी अफ्रीका से ब्रिटेन गए, उस समय वे दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन का संचालन कर रहे थे। जिस समय वे इंग्लैंड पहुंचे, उन्हीं दिनों इंग्लैंड में पढ़ रहे भारतीय छात्रों ने एक समारोह का आयोजन किया। उन्होंने किसी भारतीय व्यक्ति को ही इस समारोह का अध्यक्ष बनाने की बात सोची। कुछ लोगों ने गांधी जी का नाम सुझाया और निश्चय कर लिया कि गांधी जी को ही अध्यक्ष बनाया जाए। गांधी जी ने अध्यक्ष बनना स्वीकार कर लिया और समारोह आरंभ होने से पूर्व ही वहां पहुंच गए ताकि आयोजन की व्यवस्था में कुछ सहयोग दे सके। इस समय समारोह में अतिथियों के लिए स्वल्पाहार तैयार किया जा रहा था, गांधी जी भी उसमें जुट गए। छात्रों ने गांधी जी को देखा तो था नहीं जो उन्हें पहचानते, पर जब उन्हें निमंत्रित करने वाले छात्र समारोह आरंभ होने के समय आए और उन्होंने गांधी जी को पहचाना तो अपने साथियों को डांटने लगे। गांधी जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसमें गलत बात क्या हुई, क्या मैं इस लायक भी नहीं हूं कि जो काम मैं कर रहा हूं वह न कर सकूं। सभी छात्र महात्मा गांधी की इस महानता के सामने अभिभूत हो गए। इसी प्रकार की एक और घटना साबरमती आश्रम की है। आश्रम में एक लड़का रहता था, उसके पास ओढ़ने के लिए साधारण सी चादर मात्र थी। गांधी जी ने उसका बिस्तर देखा तो पूछा, क्या तुम्हें इस बिस्तर में नींद आ जाती है, ठंड नहीं लगती? लड़के ने कहा, बापू ठंड तो लगती है। गांधी जी ने अगले दिन ही उसे अपने हाथ से एक रजाई बना कर दी। अपने पास समय होते हुए उन्होंने यह नहीं सोचा कि इस काम को किसी दूसरे से कराया जा सकता है। अपने सहयोगियों का हृदय जीतकर ही गांधी जी महात्मा हो सके, और हृदय जीतने का एक ही उपाय है कि सेवा परक कार्यों में जरा भी संकोच न करना। परामर्श और निर्देश तो सभी दे सकते हैं। किसी गांव में सड़क नहीं है, यह तो हर कोई कह सकता है कि यहाँ सड़क बनाना चाहिए। कैसे बने? सरकार को बनाना चाहिए, गांव के लोगों को श्रमदान द्वारा बनाना चाहिए आदि के सुझाव भी हर कोई दे सकता है, लेकिन उसके आगे कोई नहीं बढ़ता। लोक सेवी भी उसी तरह का परामर्श दे, वैसे ही सुझाव दे, तो इसमें उनकी क्या गरिमा रही? लोक सेवी की गरिमा इसी में है कि वह अपने माध्यम से व्यावहारिक रूप से स्वयं पहल करके जनसाधारण का मार्गदर्शन करे। लोक सेवी की कई मर्यादाएं हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि लोग उनकी वक्तृत्वता सुनने नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व को समग्र रूप से पढ़ने आते हैं। विचार और आचरण की एकात्मता एवं चरित्र का आदर्श होना सरल नहीं है, पर असंभव भी नहीं।